नमस्कार, स्वागत है आपका संदेश एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ वंदना। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पांचसेमल क्षेत्र में करीब 12 घंटे से भी अधिक समय से जोरदार बारिश जारी है। आपको बता दें कि बारिश के सीजन की अभी तक की सबसे अधिक वर्षा रविवार शाम से सोमवार तक जारी है। बारिश से किसानों के खेतों में खड़ी फसल डूब गई है, जिससे किसान चिंतित है। क्षेत्र के नदी नाले भी उफान पर हैं। अभी तक नदी नालों में बाढ़ नहीं देखी गई थी, लेकिन घंटों से हो रही लगातार बारिश से गोमती नदी, खड़गी नदी और धामनी नदी उफान पर बह रही है। टाकली गांव का संपर्क करीब रात्रि 2 बजे से टूटा हुआ है। आपको बता दें, बारिश के चलते मार्केट भी नियमित रूप से नहीं खुल पाया है। स्कूल भी लगभग बंद है। इक्का दुक्का स्कूल चालू है, लेकिन बच्चे नहीं पहुंच पाए। शासकीय कन्या स्कूल परिसर में भी पानी जमा हो गया है। अब देखना होगा यह बारिश कब तक रुकेगी और यह बारिश लोगों के लिए राहत लाती है या आफत। मेरा नाम अजय डावर है। ये धामनी नदी है। रात के 2-3 बजे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण धामनी नदी में पानी का जल स्तर बढ़ा है। और अभी 1-1.5 घंटा पहले पानी जो है पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हुआ है। और साथ ही साथ स्कूल के बच्चे भी जिस कारण अपना स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कौन से गांव आते हैं इधर? ये टाकले आता है। आज के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ संदेश एक्सप्रेस पर।